हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 19 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 मई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है दोस्तों टेक्स्ट बुक ने। टेक्स्ट बुक पर आपको 520 प्लस एग्जाम के ऑनलाइन दोस्तों मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों 38,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे और 13 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको बेहतर कंपटीशन मिल पाएगा। तो यानी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप टेक्स्ट बुक के माध्यम से मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। और अभी CUET एग्ज़ाम्स दोस्तों जो आने वाला है, इसके लिए भी यहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो अगर आप बेहतर से बेहतर इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चाहते हो तो आपको ये मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करना चाहिए। तो अगर आप ये टेस्ट बुक पास लेना चाहते हैं तो आप कूपन कोड में यूज़ कीजिएगा MJT और आपको मिल जाएगा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यूज़ कोड MJT। चलिए बात करते हैं लास्ट के क्वेश्चंस की, कहीं आप भूल ना जाओ। कर लेते हैं क्विकली रिवीजन। अभी हाल ही में RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में राजीव रंजन और सती कांठा पाटनायक को नियुक्त किया गया है। और वहीं रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को दोस्तों भारत का 52वां अभ्यारण्य घोषित किया गया है। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। सोमालिया के नए प्रेसिडेंट बने हसन शेख मोहम्मद और स्विगी ने अभी डाइन आउट का अधिग्रहण किया है। इसके अलावा केन्या की अन्ना कोबाले दुबा को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नर्स चुना गया है। इसके अलावा नीति आयोग ने राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है। दक्षिण कोरिया ने दोस्तों इस बार उबेर कप जीत लिया है और वहीं भारत ने जीता था थॉमस कप। अडानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट और दोस्तों ACC सीमेंट का अधिग्रहण किया है, एक्विजिशन किया हुआ है। वहीं पद्मश्री से सम्मानित हिंदी विद्वान और संस्कृत विद्वान रमाकांत शुक्ला जी का निधन हो गया है। तो ये तो कल के दिन के क्वेश्चन थे जिनका आपने क्विकली रिवीजन किया। कल मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे जिनके बारे में आपको डिटेल में लिखना था। बहुत सारे स्टूडेंट ने डिटेल में लिखा, टॉपिक भी वैसे ही था। जीएसटी के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट ने डिटेल में लिखा, काफ़ी अच्छा लगा। तो GST प्राप्तकर्ता के रूप में UP जो है वो दूसरे पर है, फर्स्ट पर महाराष्ट्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। चीन में भारत के राजदूत हैं प्रदीप कुमार रावत, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन के शानदार करंट अफेयर को आज के दिन के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, एलिजाबेथ बॉर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। तो एलिजाबेथ बॉर्न को दोस्तों फ्रांस में नई प्राइम मिनिस्टर चुना गया है। याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन दोबारा से वहाँ पर प्रेसिडेंट चुने गए, उन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त किया। देखिए यहाँ पर कुछ थोड़ा सा उल्टा होता है, वहाँ पर राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है, अपने भारत में क्या होता है प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति जीतता है, सत्ता में आता है, वही मेन होता है सर्वे सर्वा और वो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो इमैनुअल मैक्रॉन की पार्टी ने दोस्तों इनको नियुक्त किया है, एलिजाबेथ बॉर्न को नई प्राइम मिनिस्टर। ये फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं, फ्रांस के इतिहास में अभी तक ये दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। इस बार ये जीन कैटेक्स की जगह लेंगी, जीन कैटेक्स दोस्तों इससे पहले थे। चलिए गूगल मैप में देखते हैं फ्रांस है कहाँ पर। तो आप वर्ल्ड मैप में देख पाएंगे दोस्तों ये है अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको आ जाना है सिंपली यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आएंगे आप तो आपका आपको सबसे पहले कहाँ पर आना है, पूछ वाले देश इटली में। इटली में आते ही आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये बड़ा सा देश है फ्रांस, काफ़ी बड़ा है यूरोपियन अन्य कंट्रीज़ के मुकाबले में। आप देखेंगे बाकी सब कंट्रीज़ जो है बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रांस, स्पेन, जर्मनी ये सब बड़े बड़े देश हैं। तो फ्रांस यहाँ पर आपको मिल जाएगा, पेरिस यहाँ की राजधानी है और इमैनुअल मैक्रॉन यहाँ के हैं प्रेसिडेंट। क्लियर है। अब कर लेते हैं फिर से क्विकली रिवीजन आज की, अन्य देशों में भी हाल फिलहाल में कौन कौन से प्रधानमंत्री, कौन कौन से राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। अभी मार्कोस जूनियर को दोस्तों फिलीपींस में प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। यून सुक सोल ये दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। रॉनिल विक्रम सिंधे ये श्रीलंका में प्रधानमंत्री एक बार फिर से बन गए हैं। इमैनुअल मैक्रॉन ये दोबारा से प्रेसिडेंट बने हैं फ्रांस में। और पैट्रिक अची ये आइवरी कोस्ट में प्रधानमंत्री बने हैं। अलेक्जेंडर वुसिक ये सर्बिया में राष्ट्रपति बने हैं दूसरी बार। और वहीं अभी कल मैंने आपको बताया हसन शेख मोहम्मद सोमालिया में नए प्रेसिडेंट बने हुए हैं। क्लियर है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC NSE में कितने रुपए प्रति शेयर पर लिस्ट हुई। तो देखिए दोस्तों LIC का IPO आया था, आप सबको पता है, बहुत ज़्यादा चर्चे में ये था। मैंने इस पर भी 2 वीडियो आपको दी हुई, एक तो वीडियो कल ही मैंने दी है LIC लिस्टिंग को लेकर के। तो फिलहाल LIC जो है ये शेयर मार्केट में लिस्ट हो गई है।
अब शेयर मार्केट इंडिया में कौन कौन से हैं, NSE है और है BSE, ठीक है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पर क्वेश्चन में है NSE में कितने रुपए प्रति शेयर पर लिस्ट हुई है, तो NSE में दोस्तों ये 872 रुपए प्रति शेयर पर लिस्ट हुई है, तो यहाँ पर 872 रुपए लगा देंगे। BSE में अगर पूछा जाए तो 867 रुपए प्रति शेयर पर ये कंपनी लिस्ट हुई शेयर मार्केट में, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखो LIC ने 3.5% की हिस्सेदारी बेच करके 21,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने की घोषणा की थी IPO के जरिए, और इकट्ठा हुआ भी इसका, लेकिन निवेशकों का हो गया नुकसान। कारण यह है कि 949 रुपये का अनुमान लगाया था गया था कि 949 रुपये पर लिस्ट होगी, लेकिन ये 82 रुपये कम दाम पर लिस्ट हुई, 867 रुपये पर लिस्ट हुई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें अगर तो, ठीक है। हालांकि ये तो अपना कामयाब रही, लेकिन जो इन्वेस्टर थे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 50,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो गया सभी लोगों का। लेकिन जो लिस्ट होने के बाद सबसे बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें निकल कर आई वो ये थी कि ये 5.53 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ लिस्ट हुई, यानी इसकी मार्केट वैल्यूएशन 5.53 लाख करोड़ है, और इसके हो जाने की वजह से एक दो रिकॉर्ड और बने हैं जो आपको याद रखना है। LIC बन गई भारत की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी, LIC बन गई भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी, LIC बन गई भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी। देखिए था तो इंश्योरेंस था तो सरकारी कंपनी पहले भी, लेकिन जब लिस्ट हो जाती है ना तो उसका अलग ही है भाई, मार्केट में आएगी अब तभी तो वैल्यूएशन सही तौर से लगाया जा सकेगा। तो इस हिसाब से जब मार्केट में आ गई उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे ये लिस्ट है, तो इस हिसाब से ये बन गई 5वीं सबसे बड़ी टॉप 10 कंपनीज में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, और मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में सबसे बड़ी सरकारी कंपनी बन गई, और इंश्योरेंस में भी सबसे बड़ी बन गई है कंपनी। यहाँ पर आपको ये 4 कंपनियों का नाम भी ध्यान रखना होगा, बाकी इसमें तो आप नहीं भी रखोगे तब भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली इंडिया कंपनी है, सेकंड पर TCS, थर्ड पर HDFC बैंक, फोर्थ पर है इन्फोसिस, और 5वें पर है LIC, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है, इसको जीत लिया है ओडिशा ने। ओडिशा ने दोस्तों कर्नाटका को हरा करके सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप जीत लिया है, कर्नाटका को इसने 2-0 से हराया। इस बार 12वां संस्करण था, भोपाल में ये आयोजित किया गया था मध्य प्रदेश में, तो ओडिशा ने जीत लिया है कर्नाटक को हरा करके। ओडिशा और हॉकी जब भी आए तो समझ लीजिएगा दोस्तों आपको कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गए हैं, हॉकी का ओडिशा से काफ़ी अच्छा संबंध है। ओडिशा दोस्तों देश की पहली ऐसी गवर्नमेंट है, ओडिशा की गवर्नमेंट जो भारतीय पुरुष और भारतीय महिला हॉकी टीम को, बैडमिंटन लिख उठा है, महिला हॉकी टीम को अगले 10 सालों तक स्पॉन्सर करेगी, ओके। इसके अलावा यहीं पर दोस्तों एक बन रहा है स्टेडियम जो कि भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम होगा, नाम क्या है, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम। वहीं पर हॉकी विश्व कप जो 2023 का होने वाला है उसका फाइनल खेला जाएगा, ये राउरकेला में बन रहा है, ध्यान रखिएगा राउरकेला में पूछा जा सकता है। तो पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी भी ओडिशा कर रहा है 2023 में जो होने वाला है, इसके लिए अभी मस्कट और लोगो भी लॉन्च किया गया था, और इसके अलावा 2018 वाला जो हुआ था ना उसको भी ओडिशा ही मेज़बानी किया था उसकी भी, जो 2018 का पुरुष हॉकी विश्व कप हुआ था, तो 2023 का भी ये करेगा, क्लियर है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है ओडिशा से। अगला, हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस्तीफा दिया। अच्छा हॉकी से याद रखिएगा, भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता था ओलंपिक में, अब की टोक्यो ओलंपिक में, तो कहाँ के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया है, दिल्ली के। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दोस्तों अनिल बैजल, इन्होंने अचानक से कल इस्तीफा दे दिया, अपना इस्तीफा इन्होंने प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी को सौंपा, हालांकि इसके पीछे का रीजन इन्होंने निजी कारण बताए हुए हैं। तो ये 21वें राज्यपाल थे दिल्ली के, ये नजीब जंग के इस्तीफे के बाद दिसंबर 2016 में नियुक्त किए गए थे, इसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये 1969 बैच के IAS रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ये केंद्रीय गृह सचिव भी रह चुके हैं, क्लियर। अगला, हाल ही में किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में अजय पीरामल को। अजय पीरामल, यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये पीरामल ग्रुप के दोस्तों अध्यक्ष हैं, पीरामल ग्रुप आप नाम जरूर सुने होंगे। तो इनको अभी हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। कारण यह है कि ये सबसे बड़ा ब्रिटिश मानद पुरस्कार है,
मैंने आपको अभी 2-4 दिन पहले बताया था ब्रिटिश के मानद पुरस्कारों के बारे में। 3 टाइप से पुरस्कार होते हैं, चलिए फिर मैं रिवाइज करा दूंगा अभी। तो इसमें जो सबसे बड़ा होता है वो होता है CBE। CBE ये बोले तो कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है अजय पीरामल को। अभी कुछ दिन पहले जब मैंने ये बताया था आपको इन तीनों अवार्ड के बारे में, तो वो एक्चुअली में इसलिए बताया था क्योंकि उस दिन गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को मिला था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इनको तीसरा सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान मिला है, कौन सा? MBE मिला हुआ है। पहले होता है CBE, उसके बाद होता है दोस्तों OBE, उसके बाद होता है MBE, ठीक है ना। तो कमांडर ऑफ द ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, इसके बाद ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, और उसके बाद मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो अभी MBE भी दिया जा चुका है और CBE भी दिया जा चुका है। MBE जो है ये गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति जी को दिया गया था, क्लियर है। ये तीनों सर्वोच्च पुरस्कार हैं, मानद पुरस्कार हैं ब्रिटेन के, याद रखिएगा। अगला, अच्छा साल भर में 2 बार दिए जाते हैं, ये भी याद रखेंगे। अगला, हाल ही में ग्रीनको द्वारा कहां पर दुनिया के सबसे बड़े RE भंडारण संयंत्र की स्थापना की गई? REIA तो आप समझिएगा रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात की जा रही है, और EVIA तो समझिएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी यानी कहें अक्षय ऊर्जा भंडारण, तो इस पर दुनिया के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा भंडारण संयंत्र की स्थापना ग्रीनको द्वारा की जा रही है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में दोस्तों ये स्थापित किया जा रहा है। 5230 मेगावाट की क्षमता का होगा, $3 बिलियन इस पर खर्च किया जा रहा है। तो इसको दोस्तों ग्रीनको बना रही है इसमें, लेकिन आर्सेनल मित्तल ने भी इन्वेस्टमेंट किया है, करीब $600 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो आंध्र प्रदेश में जो ये बन रहा है दोस्तों, ये 5230 मेगावाट का प्रोजेक्ट होगा जो कि रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा का भंडारण का काम करेगा, स्टोरेज का काम करेगा, स्टोरेज एक प्लांट होगा। इसमें 3000 मेगावाट तो दोस्तों सोलर एनर्जी स्टोर होगी और 550 मेगावाट ये पवन ऊर्जा स्टोर की जाएगी, क्लियर है। अब ये बन रहा है आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश देख लेते हैं मैप में है कहाँ पर। तो आंध्र प्रदेश ये रहा, भारत के मैप में देखेंगे ये है जो राज्य, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां प्रस्तावित हैं, एक तो विशाखापत्तनम, एक अमरावती, एक कुरनूल। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल ये कैपिटल हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जगनमोहन रेड्डी जी दिख रहे हैं, यही YSR कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं CM। विश्वभूषण हरचंदन जी गवर्नर हैं और प्रशांत कुमार मिश्रा यहाँ के हैं चीफ जस्टिस। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है, इसका नाम पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, आप याद रखेंगे। अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तमिलनाडु से, कर्नाटका से, तेलंगाना से और उड़ीसा से, और छत्तीसगढ़ से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। ओके, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ब्रह्मास्त्र ईबुक है 2021 की पूरा डिटेल कंटेंट के साथ, और हर महीने की बाकी भी ईबुक आप ले ही सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होती है। इसके अलावा कल अभी उत्तर प्रदेश की स्पेशल ईबुक लॉन्च हुई है, इसमें 2021 के और 2022 के संपूर्ण UP स्पेशल करंट अफेयर दिए गए हैं दोस्तों। इसके अलावा UP से रिलेटेड जो स्टैटिक्स होते हैं उनको भी दिया गया है, यानी UP का स्टैटिक GK, इसके बाद UP का करंट अफेयर, इसके बाद आपको मिल रहा है फ्री में कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट, क्योंकि यूपी का जो भी एग्ज़ाम होता है दोस्तों उसमें कंप्यूटर भी पूछा जाता है, इस वजह से फ्री में कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जा रहा है। अगर आप यूपी लेखपाल, पुलिस, UPSI, BDO, UPPCS, BEd, UPTET, TGT, PGT, CTET, RO, इन सभी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये ईबुक आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। जाइए MZT ऐप पर इसे परचेज कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगला देखते हैं, हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज BSE का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का दोस्तों अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में, किसे? SS मुंद्रा को, वेरी मोस्ट टैलेंटेड एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन SS मुंद्रा, ये अब होंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए प्रेसिडेंट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही सुना आपने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्थापित हुआ था, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं SS मुंद्रा, ये RBI के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं 3 सालों तक। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा के ये अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। फिलहाल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे तो 1875 में स्थापित हुआ था, ये हेडक्वार्टर्ड है मुंबई में। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा,
मैंने आपको बताया था कि NSE का जो मार्केट होता है उसे कहते हैं निफ्टी 50, ठीक है ना, निफ्टी 50। और BSE का जो मार्केट होता है ना इसको कहते हैं सेंसेक्स। आप सुने होंगे सेंसेक्स डाउन हुआ, सेंसेक्स उठा, निफ्टी डाउन हुआ, निफ्टी उठा, ठीक है, यही तो आप अखबार में पढ़ते हो, इसी का डाटा तो पढ़ते हो। बेसिकली है क्या, समझो शॉर्ट टर्म में सेंसेक्स जो है यानी कि BSE का जो मार्केट है ये 30 बड़ी कंपनियों का समूह है भारत में। ये 30 कंपनियां जैसे जैसे परफॉर्म करती हैं इन्हीं को देख करके यहाँ पर पूरा का जो क्योंकि मार्केट है तो उसी को उतार चढ़ाव को देख करके अंदाज़ा लगाया जाता है कि कैसा कुछ चल रहा है। NSE जो है इसे निफ्टी 50 कहते हैं, ये 50 बड़ी कंपनियों का समूह है और ये 50 कंपनियां हर एक सेक्टर में भारत की कैसे परफॉर्म कर रही हैं इसको देख करके यहाँ पर मार्केट का अंदाज़ा लगाया जाता है, ठीक है। चलिए फिलहाल कल की वीडियो जरूर देखिएगा, कल की वीडियो में भी मैंने आपको कुछ LIC के बारे में टिप्स और ट्रिक्स दिए हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड, ठीक है। अगला, हाल ही में इटालियन ओपन 2022 किसने जीता है, तो इटालियन ओपन 2022 जीत लिया है दोस्तों किसने, नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच भाई साहब गायब चल रहे थे इस साल, ठीक है, लेकिन पहला खिताब अब जा करके जीत लिए हैं इस साल का, इस सीजन का इनका पहला खिताब है। दुनिया का नंबर वन टेनिस खिलाड़ी, सर्बिया का रहने वाला, ऑस्ट्रेलियन ओपन मना कर दिए थे खेलने से। क्यों मना किए थे, क्योंकि लोग कह रहे थे कि कोविड टेस्टिंग होगी ऑस्ट्रेलिया के, और ये कहे कि हम ना, हम कोविड टेस्टिंग नहीं कराएंगे, हम ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं खेलेंगे चलेगा, लेकिन कोविड की टेस्टिंग नहीं कराएंगे। तो फिलहाल नोवाक जोकोविच जो है ये इटालियन ओपन जीत चुके हैं और दुनिया के नंबर वन टेनिस खिलाड़ी हैं। इनका ये 38वां ATP मास्टर्स 1000 का खिताब था, हालांकि ये इटालियन ओपन का 79वां संस्करण आयोजित किया गया। महिला वर्ग में अगर बात करेंगे तो इगा स्वीटेक जो है पोलैंड की, इन्होंने जीत लिया है ये खिताब ओन्स जबूर को हरा करके, ओके। अगला है, हाल ही में कहां पर दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज स्काई ब्रिज 721 यात्रियों के लिए खोला गया। तो दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज चेक गणराज्य में खोला गया है, स्काई ब्रिज 721 नाम है इसका और ये चेक गणराज्य में बनकर आया हुआ है। ये 721 का मतलब देखिए, स्काई ब्रिज 721 में लास्ट में 721 का लिखने का मतलब ये है कि इसकी लंबाई है, ठीक है, ये इसकी लंबाई को डिनोट करती है, तो इससे आपको लंबाई भी पता लग जाता है। तो फिलहाल ये चेक गणराज्य में स्थित है दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा ये पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज है, कुछ इस प्रकार से है। तो इसने नेपाल के बागलुंग पर्वत फुट ब्रिज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इससे 154 एक्स्ट्रा मीटर लंबा है ये, ठीक है, तो अब ये बन गया दूसरा सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज बताया था मैंने ना, कहाँ पर खुला है, वियतनाम में। वियतनाम में दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज है, नाम क्या है, बाख लांग ब्रिज, बाख लॉन्ग ब्रिज, वो भी याद रखेंगे आप। दुनिया में कौन सबसे लंबा है, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, अभी हाल फिलहाल में सबसे पहला पहली, इस पर मैंने आपको दो वीडियो दी हुई है, आप जाकर के जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके। फिलहाल चेक गणराज्य आया है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे वर्ल्ड मैप में। तो वर्ल्ड मैप में आप देख पाएंगे ये रहा अपना प्यारा भारत, यहां से एक बार फिर से आएंगे आप यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आने के बाद आपको यहाँ पर पोलैंड जर्मनी के बाद स्लोवाकिया ऑस्ट्रिया के पास में दिख जाएगा, यहाँ पर ये सेजेचिया के नाम से लिखा गया है, ये इसका उपनाम समझ लो एक प्रकार से। तो चेक रिपब्लिक या चेक गणराज्य या सेजेचिया कह सको आप, तो इस सब का नाम एक ही है। इसकी राजधानी प्राग होती है, यहाँ पर आपको दिख रही है इसकी कैपिटल प्राग, तो ये है इसकी कैपिटल, ठीक है, प्राग। तो चेक गणराज्य ये हुआ, और चेक गणराज्य अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है, तो आप देख पाएंगे ऑस्ट्रिया से, स्लोवाकिया से, पोलैंड से, जर्मनी से, क्लियर, आगे देखते हैं। अच्छा, इसके प्रेसिडेंट और अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्रेसिडेंट है दोस्तों मिलोस जेमान, कौन है, मिलोस जेमान है इसके प्रेसिडेंट करंट टाइम पर, और प्रधानमंत्री हैं पीटर फियाला, मुद्रा होती है चेक कोरुना। अगला देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया, तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल म्यूजियम डे दोस्तों मनाया गया 18 मई को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, मई महीने की सबसे महत्वपूर्ण दिवसों में से एक है 18 मई इंटरनेशनल म्यूजियम डे। तो म्यूजियम्स के बारे में बढ़ावा देने के लिए, उसके महत्व को बताने के लिए, साथ ही साथ म्यूजियम में क्या क्या चीज़ें रखी होती हैं, म्यूजियम हमारे इतिहास को याद दिलाता है, हमारे मतलब संरक्षण करता है इतिहास की चीज़ों का, तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसके द्वारा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के द्वारा इस बार की थीम है दोस्तों द पावर ऑफ म्यूजियम, क्या है, द पावर ऑफ म्यूजियम्स। इसकी शुरुआत 1977 में ऑफिशियल तरीके से की गई थी मॉस्को में।
ओके। अब ये मई महीने का इंपॉर्टेंट डेट है, तो चलिए मई महीने का सभी दिवस रिवाइज कर लेते हैं। 1 मई को 2 दिवस मनाए गए महत्वपूर्ण, एक तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और महाराष्ट्र और गुजरात स्थापना दिवस। इसके अलावा 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमक दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे, 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है, मई के सेकेंड सैटरडे और अक्टूबर के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया और 16 मई को ही राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी मनाया गया। क्लियर है? तो बस दोस्तों, ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। कैसी लगी है वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और हाँ शेयर जरूर कर दिया करो दोस्तों। देखो आप कुछ दिन की छुट्टियों पर घर चला गया था मैं, इस वजह से व्यूज़ थोड़ा डाउन हो गए, लोग इधर उधर हो गए हैं। लोगों तक बताओ कि दोबारा से वापस आ गए हैं और अच्छी वीडियो बन रही है, अच्छी क्वालिटी की, बेटर क्वालिटी के साथ वीडियो बन रही है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ आपको कंटेंट देने की, और आपका भी कोई सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बताया करो। चलिए फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में। अच्छा, क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का 2 क्वेश्चन जो आपके लिए है, पहला ये कि भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, ये आपको बताना है, ऑफिशियल कितने टाइगर रिजर्व हैं, और सोमालिया की राजधानी कहाँ पर स्थित है। दोनों के बारे में आपको जो पता हो जरूर बताइएगा। इसके अलावा MZT ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यहीं से आप इस वीडियो की क्विज और PDF वगैरह प्राप्त कर पाएंगे। यहीं पर बहुत सारे वीडियो कोर्सेज आए हैं, लाइक RRB NTPC CBT2 का GK GS स्पेशल बैच है, बहुत ज़बरदस्त बैच है, बहुत ही शानदार बैच है, बहुत सारे लोगों ने इसको लिया हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिविजुअल बैचेस भी आपको मिल जाएंगे, जैसे ग्रामीण परिवेश, हिंदी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ठीक है, GK GS, और अगर आप फुल बैच भी लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। फिलहाल ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी MZT ऐप पर, गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।